नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जीवन की तीन बड़ी सीख, ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, काफ़ी पुरानी बात है, एक राज्य में पराक्रमी राजा रहता था। राजा के तीन पुत्र थे और राजा ने अपने तीनों पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी ज्ञानी बनाने की सोची और अपने पुत्रों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देने का प्लान बनाया ताकि आने वाले समय में ये राज्य को संभाल सके और एक अच्छा राजा बने जो अपने राज्य की देखभाल करे। काफ़ी समय बीत गया, अब राजा बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने गुप्तचर को आदेश दिया और अपने तीनों पुत्रों को बुलवाया। जब उसके पुत्र आ गए तब उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा, हमारे इस राज्य में एक भी आम का पेड़ नहीं है। आम का पेड़ कैसा होता है और उस पे आम कैसे होते हैं, मुझे देखना और खाना था। तुम तीनों पुत्र अलग अलग दिशा में जाओ और आम का पेड़ और आम लेकर आना, पर तुम्हें एक साथ 4 सप्ताह में आना होगा और एक साथ मेरे सामने आना होगा और मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तीनों पुत्रों ने एक साथ जवाब दिया, जी पिताजी। इस तरह तीनों पुत्र पिता के कहे अनुसार अलग अलग दिशाओं में चले गए। जब 4 सप्ताह खत्म हुए तब तीन पुत्र एक साथ वापस राज्य में पहुँचे। जब राजा के सामने आए तीनों पुत्र तब राजा ने पूछा, मुझे बारी बारी से बताओ कि आम का पेड़ कैसा होता है। सबसे पहले बड़ा पुत्र बोलता है कि पिताजी, वह पेड़ बहुत ही छोटा है, उसमें कुछ ही पत्तियां हैं और उसमें कोई आम नहीं है। तभी दूसरा पुत्र बोल पड़ता है, अरे नहीं नहीं पिताजी, उस पेड़ में बहुत हरी हरी पत्तियां थीं और उसमें कोई फल नहीं लगता है, यही एक कमी है उस पेड़ में। इतने में सबसे छोटा पुत्र बोल पड़ा, पिताजी शायद दोनों भाइयों ने गलत पेड़ को देख लिया है, क्योंकि जो आम का पेड़ है वह बहुत ही हरा भरा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा आम भी लगे होते हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं, मैं अपनी आँखों से ही देख के आया हूँ। दोस्तों, इस तरह से तीनों ने अपनी बात बताई और तीनों अपनी बात पे अड़ गए और आपस में ही विवाद करने लगे। उनके इस विवाद को शांत कराने के लिए राजा को बीच में बोलना पड़ा, पुत्रों विवाद मत करो, जो भी तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे ही सच मान लो। तुमने जो देखा है वही सत्य है। तुम तीनों भाइयों ने जो आम का पेड़ देखा है और उसके बारे में जो बता रहे हो वह आम का पेड़ ही है। तुम तीनों की बातों में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम तीनों ने आम के पेड़ को अलग अलग मौसम में देखा है। अपने पिता की बात सुनकर तीनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। तभी राजा बोलने लगे, पुत्रों मैंने ये सब जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग दिशा वाले मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुम्हें जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना और हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना। ये कहकर राजा ने अपने पुत्रों को ये तीन सीख बताई जो जीवन बदल सकती हैं। आइए दोस्तों, हम भी जानते हैं। 1, किसी भी चीज़ या व्यक्ति के बारे में तुम पूरी तरह से नहीं जान जाते तब तक तुम्हें उसके बारे में कोई राय नहीं देनी चाहिए। 2, मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता है। जिस तरह से मौसम का प्रभाव आम के पेड़ पर जो पड़ा था वह कभी सूखता है तो कभी हरा भरा दिखाई पड़ता है, उसी तरह से इंसान के जीवन में भी सुख दुख और सफलता असफलता का ऐसा दौर आता रहता है। ऐसे दौर में तुम्हें हार नहीं मानना है, उस समय तुम्हें धैर्य बनाकर रखना है। मौसम की तरह बुरा समय भी एक दिन चला जाएगा और सुख का समय जरूर आएगा। 3, कभी भी किसी के अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी के साथ बिना मतलब का विवाद करना चाहिए।
दूसरों की बातों और विचारों को सुने और जाने बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब कभी भी विवाद की परिस्थिति बने, उस समय किसी ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह लेकर अपने विवाद को खत्म करें। इस तरह से राजा की सीख को तीनों पुत्रों ने गांठ बांध ली और प्रतिज्ञा ली कि हमेशा जीवन में इन तीनों बातों को याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, आप भी इन तीनों बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। धन्यवाद।